अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन टिक्का लेग पीस की रेसिपी, बहुत यम्मी एंड स्पाइसी। और समीर की फरमाइश थी लेग पीस की, ठीक है मैं आपको देखती हूँ, एक एक प्रोसीजर आपको मिस नहीं करना है। मैं क्या क्या ऐड करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, क्या क्या देख आप वैसे ही बनाएगा, सॉरी। तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ, पहले मैरिनेट करेंगे चिकन को, मैं आपको उसका मसाला दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स, ये है हमारे चिकन टिक्का के रेसिपी और मैं आपको दिखा रही हूँ, चिकन टिक्का का डिब्बा है। मैं इसमें क्या क्या ऐड करती हूँ आइए मेरे साथ साथ आप भी देखिए, मैं भी अपना काम करूँ। और मैंने आज इसको मैं सिर्फ और सिर्फ ना पराठे बनाऊँगी, सिर्फ चपाती, मतलब कि जो रोटी बनती है, घर के स्पाइसेस भी डालूंगी और ये चिकन टिक्के का मसाले का डब्बा भी डालूंगी, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे दही, क्योंकि हमें इसको खाना है रोटी से, ठीक है। वो तो हमारे चिकन टिक्के हमारे रोल पराठे के लिए, तो उसमें मसाला हो या ना हो, मतलब कि मसाला वो फीके 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 थे, सूखे 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 वो थे पराठे के हिसाब से। ये बना रही हूँ मैं रोटी के हिसाब से। रोगन होगा इसमें, इसमें रोगन भी होगा, घर का मसाला भी होगा और ज़ाहिर है मसाला होगा तो रोटी से खा सकेंगे, रायता भी होगा, सलाद भी होगा और समीर भी होगा और लेग पीस होगा है ना भाई। अच्छा जी, ये इसको फेटो समीर, तुम मैं कैसे फेटूं इसको, तुम ये फेटो, मैं इसमें जो है ना कट लगाऊं। जूनियर शेफ, ये जो है लेग पीस, ठीक है, ये माशाल्लाह बहुत मोटा है, इसको आप लगाएं कट ताकि अंदर तक मसाला चले जाए, ठीक है। कैसे सेहतमंद माशाल्लाह मुर्गी थी ये। थोड़ी सी मैंने ये बोटियाँ में डलवा ली हैं चिकन के लेग पीस के अलावा, क्योंकि लेग पीस में मतलब कि खाती नहीं हूँ ज़्यादा लेग पीस ना, ये बोटियाँ सही लगती हैं और सीने का गोश्त मुझे नहीं अच्छा लगता है, रुखा रुखा मैं खाता हूँ, ये समीर शौक से खाता है। कट लग जाएगी इसमें, तो फिर मैं इसमें लगाऊंगी मसाला और हम रखेंगे आधे एक घंटे के लिए मैरिनेट के लिए, ताकि मसाला अच्छे से इस पर चढ़ जाए। वही तरीका जो चिकन टिक्का पूरी रोना, थोड़ा सा डिफरेंट है वो, इसलिए कि इसमें घर के स्पाइसेस हम ऐड करेंगे, उसमें घर के स्पाइसेस हमने ऐड नहीं करे थे, ठीक है। ले आओ बेटा दही हो गई तो दे दो, और ये हो गई हमारी दही, ये खोलो मेरे हाथ हो रहे गीले हो रहे। अच्छा जी, इसमें जाएगा थोड़ा सा, वन चुटकी ले लें आप जर्दे का रंग, ठीक है। और जी वो अभी अभी मेरे पास कमेंट आया है, क्या नाम है वो, फरहीन इरफान, फरहीन इरफान आपका थैंक्स, आपने मेरे को इतने सारे कमेंट करे, माशाल्लाह हमारी वीडियो बड़े शौक से देखते हैं, हमारी फैमिली आपको अच्छी लगती है, उसका आपको थैंक्स है। और दूसरी बात ये है कि आपने बोला था मेरा नाम ले लीजिए, तो मैंने आपका नाम ले लिया। हाय हेलो, आप कैसी हैं, अपना ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियो ऐसे ही वॉच करती रहिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जाएगा 1 टीस्पून लहसुन अदरक, ठीक है। और समीर कुछ कह रहे थे अभी, मैंने कब बोला, वो कह रहे थे ना ये वो वाली वीडियो बनाएंगे जिसका नाम, हाँ जी, जिसको शाउट आउट चाहिए वो इस वीडियो के कॉमेंट में आ जाए, ठीक है, अपना नेम लिख दें और नीचे लिख दें हैशटैग शाउट आउट, ये लगा दें ताकि हमें पता चल जाए, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे शाउट आउट के लिए सबके लिए। इसमें मैंने लहसुन अदरक डाला है और जर्दे का ऐड कलर ऐड करा, ठीक है। अब मैं इसमें मसाला डालूंगी, आपके सामने ही डालूंगी सब चीज़ें। हमें इसके 2 पीस नहीं करना है चिकन के, नहीं बेटा, हाँ ये नेशनल वालों का मसाला है, चिकन वाले को भी बोला था भाई 2 पीस नहीं करके, ये हमारी सीजर है छोटी सी, हमारी किचन में रहती है ये सीजर, ठीक है। अच्छा, ये मसाला जाएगा सारा, क्योंकि माशाल्लाह 1 kg है हमारी चिकन, मसाला भी सारा ही जाएगा पूरा जी। पैकेट खाली है ही है? हाँ हाँ, ये 1 kg का है बेटा। अच्छा, और नमक हम डालेंगे बिल्कुल कम, क्योंकि ये बिल्कुल ज़्यादा टिक्का है तो भुना भुना होगा, हाफ से भी हाफ हमने डाला है इसमें नमक, कुटी हुई मिर्ची जाएंगी 1 टीस्पून, और कम से कम मैं 1 से 1.5 घंटा लगा के रखूँगी मैरिनेट के लिए,
पहले मैं रोटियां बना लूंगी, उसके बाद ये आपको बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। आपको बनाऊंगी मतलब कि आपको दिखाऊंगी आपको बना के। मसाला जितनी देर आप लगाएंगे ना उतना ही अच्छा चढ़ेगा मजीद, और बहुत अच्छी लगेगी आपको ये खाने में। और मेरे पास देखो, मुझे याद आया अभी, समीर कोयला नहीं है ना, कौन सी लेस की खुशबू आ रही है, कुरकुरे की ग्रीन वाले जो है ना, मैं रेड वाले तीस में बारबेक्यू की। हाँ इसको बना हुआ है ना, देखो ना, मुझे वो चाहिए। अभी पापा सबको फोन करो, पापा लेते हुए आएंगे ना कोयला। हटो बेटा दिखाने दो। क्या बना रही हो? ऐसे बनानी है देखो। हाँ तो ऐसे बना। ये समीर से मैंने चिकन मंगवाई थी, साथ में मैं भी गई थी, मगर इसने देखो मम्मा लेग पीस ले लो, लेग पीस अभी लेग पीस खाएगा, ये मैं ये वाली बोटियां भले महंगे आए लेकिन मैं तो भाई लेग पीस तो मुझे पसंद है, हेल्दी हेल्दी लेग पीस होता है। ये बोटियों का आपको देखो कितनी छोटी छोटी है। अच्छा मैं इससे मिलाऊंगी हाथ से। हाथ से? हाँ देसी तरीका, जो हाथ की बात है वो चम्मच की बात। आहा सही है। तो ठीक है भाई, फरहीन इरफान मैंने आपका नाम ले लिया, आप खुश हो जाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो पूरी वॉच करिए प्लीज़, और आगे से आगे हमारी वीडियो शेयर करिए। ठीक है, ये जो मैंने कट लगाया था ना, अब ये कट खोल खोल के मसाला इसके अंदर घुसा दें ऐसे ऐसे करें। देखो इसमें लेमन जूस भी डलता है। ठीक है डालो, दूं लेमन है नहीं ना, सिरका डलता है, सिरका। अभी सब्जी वाला आया था तो मैं इसमें लेमन जूस डाल दूंगी, दिखा के डालूंगी अगर मैं डालूंगी। ठीक है नहीं आएगा, अब शाम हो गई। नहीं नहीं आने वाला होगा, अभी एक लास्ट में एक और आता है। अम्मा ये डलता है? हाँ ये डलता है, व्हाइट वाला सॉस। ये व्हाइट सॉस है, चिकन में भी डलता है और फिश में भी डलता है। बनी हुई ना फिर? हाँ 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 बनी हुई, पैक है बेटा, इसको खोलो। पैक है? हाँ मुझे दिख गया। ये लो खोलिए, व्हाइट सॉस है ये, इसका हाफ ढक्कन दो। इसमें क्या है? पानी ये फिश में, टिक्का बोटी में हाफ कैप, ये देखिए। ठीक है आपके पास अवेलेबल नहीं है, कोई मसला नहीं, आप लेमन डाल सकते हैं। हम ये रहा है, मेरे जहन में नहीं था ये कोमल ने दिखा। मैं जो है ना पीछे चीजें ला ला के रख के भूल जाती हूँ, होता है सब कुछ है। याद होता है। चलिए जी मेरा हो, ये चिकन हो गई तैयार है। अब ये मैं रखूंगी 1-1.5 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए। ऐसे आप बने रहिए मेरे साथ, कोई स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है चलिए मिलते हैं आपसे फ्राई करते टाइम। कितना टाइम लगेगा? 1-1.5 घंटा बेटा। 7:30 बजे तक मैं इंशाल्लाह फ्राई कर लूँगा। वेलकम बैक गाइस, तो हमारे को 1-1.5 घंटा हमने चिकन अपनी रखी है मैरिनेट के लिए। तो ये देखिए इस शक्ल की हो जाएगी, दिखाओ। एक मिनट, मैंने आपको एक एक प्रोसीजर सही से ठीक तरीके से समझाया था मैंने क्या क्या डाला है। ठीक है अभी हमने ऑयल डाल दिया 1/2 कप, इसमें जाएगा मैश करके ज़ीरा। ज़ीरा मैश करो बेटा हाथ में, और चिकन का अपना ही पानी इतना छूट जाता है कि इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ये इसके अपने पानी में ही गल जाएगी इंशाल्लाह। ओह कम इतना नहीं कम कर, ये बहुत डालती है ज़ीरा, हर चीज़ में बहुत डालती है, मुझे बहुत पसंद है। रुको खाना पक्का, बस तेल तो गरम होने दो पहले। तो कैसे हैं आप व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और जिस जिसका नाम आपको जरूर, जैसे आपको अच्छा लगता है कि आपका मैं नाम लूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं आपका नाम लूँगी। ठीक है डालो। अब जैसे हमारा ज़ीरा कड़कड़ाएगा इसमें हमारी जाएगी चिकन, फिर चिकन भी कड़कड़ाएगी, बोलेगी ओए 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 गरम गरम गरम। ठीक है तो हमारी ये छोटी शेफ जूनियर ही रोटियां बनाती है, अच्छी बनाती है अब रोटियां, अब मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है चलो डालो, एक प्लेट फिल करके देखो। ये यहाँ ये डालो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी डालो, सब डाल दो, सब फिर मैं घूम के आपके सामने सब चीज़ें डालूँगी। हाँ कितनी टाइट वाली आ रही है, ये
इसको भूनो, भून के इसका कवर अप करो इसको। ये इसका पानी अपना ही होगा, गल जाएगी। चलो अब कवर अप कर दो इसको। तो मिलते हैं आपसे जब हमारे बोटी गाइस। तो ये देखे हमारे चिकन टिक्के जो लेग पीस बन गए हमारे इस शक्ल में आएंगे माशाल्लाह। बहुत यम्मी यम्मी ये दिख रहा है आपको। तो मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये हमारी हो गया है रायता तैयार। ये आप लेग पीस इसे डिप करके खाएं, बड़ा मज़ा आने वाला है। और ये प्याज, ठीक है चले मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हाय, तो गाइस देखें हमारा ये तैयार हो गया चिकन टिक्का लेग पीस। समझ दिखाओ। चिकन टिक्का लेग पीस। तो कैसी लगी, उम्मीद है सब आपको अच्छी लगी होगी। जाहिर सी बात है चिकन टिक्का तो सबको सबका ही फेवरेट होता है, समीर का ही फेवरेट है। तो अगर अच्छी लगी आपको तो कमेंट में बताएं प्लीज़। न्यू है तो सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।